24 में आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हिंदुस्तान न्यूज 24 स्पॉन्सर्ड बाय दीक्षित कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। स्टार्ट विद अ ड्रीम, फिनिश विद अ फ्यूचर। नमस्कार, मैं संदीप आर्य। इस समय हम लोग राठनगर के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान, जो कि दूर दूर से जहां पर लोग दर्शन करने आते हैं, संकट मोचन स्थान है, जिसको हम लोग कुसमा के नाम से जानते हैं। आज मिलते हैं यहां पर लोगों से और यहां के पुजारी से, जो बताएंगे यहां के बारे में कि कितना पुराना मंदिर है। अब इसी प्रांगण में उपस्थित है सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली माता अन्नपूर्णा का भी मंदिर है, जहां पर सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए हम दर्शन करवाते हैं माँ अन्नपूर्णा से। देख पा रहे हैं कितना अद्भुत मंदिर है इस समय, और यहाँ पर माता का स्थान देखिए कितना अच्छा साफ स्वच्छ बना हुआ है, और सभी लोग अधिक से अधिक तादाद में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हर वर्ष हर मंगलवार को यहाँ पर लोग भिन्न प्रकार के कीर्तन भजन आदि का कार्यक्रम चलता रहता है। हमारे पंडित जी रहते हैं और हमारे जो श्रद्धालुगण हैं इस समय हमारे बीच में उपस्थित हैं। दादाजी, ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर माना जाता है। जी हाँ। ये कब का मंदिर है लगभग? ये तो हम तो जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं मंदिर बना। अच्छा, तो आपकी उम्र लगभग 65 साल? मेरी 75 साल। 75 साल, तो 75 साल से पुराना मंदिर है। हाँ। ये जी, तो जब या आप इस शुरुआत में आया करते थे यहाँ पर, तो क्या ये इसी प्रकार नहीं, कुछ नहीं, परिवर्तन हुआ? नहीं नहीं, बहुत परिवर्तन हो गया। तो आपसे पहले कौन इसकी देख रेख करते थे? देख रेख ग्यासी कर रहा था इस मंदिर की। अच्छा, तो वो अभी समय नहीं है? हैं। अच्छा, तो वो नहीं अब यहाँ पर रहते हैं? है, तो यही भी हार में है। अच्छा अच्छा, वो भी इसलिए देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ ट्रस्ट वगैरह का भी कुछ सहयोग रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम बैनर वगैरह देखते हैं कि सुमित्रा कल्याण संस्थान के। नहीं नहीं, सुमित्रा कल्याण की ये जमीन है। अच्छा, तो आप लोग इसकी देख रेख करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। अच्छा, हम तो अपने अपनी देख रेख करते हैं। अच्छा भाई, मंदिर की देख रेख करता है ग्यासी जी जी, और पुजारी हूँ मैं जी जी, लेकिन बाकी देख रेख जो भी विकास होता है मैं जनता से आप लोगों से सबसे मांगता हूँ, मांग के यहाँ इकट्ठा करता हूँ, काम यहाँ कराता हूँ, वो काम यहाँ कराता है, चेताने का काम मेरा है। अच्छा, जैसे कि देखा गया है कि बहुत लोग यहाँ पर जनसंख्या में रहती है, विशेष रूप से मंगलवार को तो लोगों की यहाँ मान्यताएं बहुत अधिक होती हैं, ऐसा बहुत राठनगर पूरा फेमस है। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो ऐसी कोई घटनाएं हैं, ऐसी पुरानी घटनाएं कि जिसमें वास्तव में लोगों को लगा हो कि नहीं, हमारे यहाँ पर आने से कुछ कार्य जरूर पूरे होते हैं? बिल्कुल है, कई सी कोई घटनाएं याद हूँ आपको? हमको तो याद नहीं है। याद दादा को याद, याद की क्या बात है, वो तो जो हो ही रहे, जब तो अगर आदमी के इच्छा पूरी ना हो तो काहे है आवे मंदिर जी 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 जी। तो और हमारे बीच में कुछ श्रद्धालुगढ़ भी है। सर, आपका नाम क्या है? वो आ गए हैं यहाँ पे कास्ट बनाते हैं ग्यासी। अच्छा, यहाँ आइए ना, आइए सर, पूरा देख देख इनके अंदर में। सर, आपका नाम क्या है? ग्यासी राज जी। तो आप कब से देख रेख कर रहे हैं यहाँ मंदिर की? यहाँ मैं 20 साल से देख रेख कर रहा हूँ जी। तो आपके ऊपर तो बाबा जी का बड़ा ही आशीर्वाद रहा है, और अभी वर्तमान में चल रहा है। चलिए, तो आप देख रेख के साथ में जो ये निर्माण वगैरह है तो सब इसी चंदा के माध्यम से हुआ होगा? चंदा से, आप सब लोग से जी जी, सबके सहयोग। तो यहाँ पर कभी विशेष कार्यक्रम भी होते होंगे, जैसे यज्ञ वगैरह या कुछ ऐसा हुआ है? इस समय होता रहता है जी जी। ठीक है, और देखिए हमारे बीच में श्रद्धालुगढ़ भी है, और इनसे पूछते हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? जीतन अहरवाल। आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं मंदिर में? हमें तो जब से होश समारा जब से बराबर आ रहे हैं जी। कहाँ? हाँ। के रहने वाले हैं? राढ़ई के। राढ़ के? हाँ जी, बहुत अच्छे। और क्या करते हैं आप? जी अभी तो पढ़ाई बंद कर दी है जी, अब काम कर रहे हैं जी। तो बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा तो आपका संपन्न हो रहेंगे? हाँ बिल्कुल हो जी। सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप त्रिपाठी जी जी। तो आप सर कहाँ कब से आ रहे हैं यहाँ मंदिर? बहुत पहले से आ रहे हैं जी। तो क्या है, आपने कुछ परिवर्तन अपने जीवन में क्या ऐसा अनुभूति की है? बहुत अच्छा बाबा जी के दरबार में आने से अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। यहाँ पर जो देखा जा रहा है बाबा जी के स्थान के अलावा और कौन कौन से मंदिर हैं? देवी जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है जी। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है?
हिमांशु सोनी जी। तो आप मंदिर में कब से आ रहे हैं? मैं तो बचपन से ही आ रहा हूँ, यही पास में हमारा गांव है। कौन सा गांव है आपका? धमना जी। तो आस्था में जोड़ने में आपके अंदर कैसे अनुभूति होती है? ये मैं, मुझे यहाँ पहले तो बच्चा था तब उतना नहीं सोच पाता था जी। जब बड़ा हुआ देखा कि कोई भी मेहनत की हमने, हमारी पूरी हुई, घर जीवन सुखी हुआ, किसी परेशानी से गुजरे, हमने मेहनत की जी, जी, हमारी परेशानियों का निवारण हुआ जी। सर आपका नाम? हाँ, मेरा नाम शिवली हसन है जी। तो आप मंदिर कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ वैसे काफी समय से आ रहा हूँ, लगातार यहाँ आने में मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं कई बार यहाँ अपने मन की शांति के लिए आ जाता हूँ जी जी, और बहुत अच्छा अनुभव भी होता है यहाँ पे जी जी। बिल्कुल सर, आपका सुनना जी। मैं भैयालाल गोखले जी, और नाम काफ़ी सुना है लेकिन आने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन आज मौका मिला तो मैं आया हूँ। मैंने यहाँ के बहुत अच्छा महसूस किया, काफ़ी शांति है और यहाँ का वातावरण अच्छा है और लोगों की काफ़ी मानता है इस स्थान के बारे में, और लोगों ने काफ़ी कहा है कि मतलब काफ़ी उनकी मान्यताएं पूरी हुई हैं। तो मैं भी आस्था से जुड़ा हूँ तो मैं भी इन चीज़ को मानता हूँ। बहुत अच्छा, देखिए स्थान, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे बीच में एक नन्ना सा बच्चा भी है। भैया आपका नाम क्या है? अभिषेक राजपूत। अभिषेक, तो बेटा आप कहाँ रहते हैं? बिहारी, लेकिन यहीं पे पढ़ते हैं। किस स्कूल में? रानी अंतिबाई पब्लिक स्कूल, ओड़ेरा रोड, राठौर रोड, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो अभी आप किसके साथ में आए हैं? नानी के साथ। नानी के साथ, तो आप कब से आ रहे हैं मंदिर में? जी अभी बहुत दिन हो गए आते आते जी। तो आप क्या मांगते हैं बब्बा जी से? आप क्या मानते हैं भगवान से कि आपको क्या मिल जाए? हाँ, सब कुछ देते हैं वो भी। देते हैं सब कुछ जी। बहुत जी भाई साहब, तो ये दुकान आप कब से लगा रहे हैं यहाँ पर? हो गए करीब 8-9 महीना हो गया। अच्छा, 8-9 महीने से। तो कहाँ से आते हैं आप? हम आते हैं जालौन जिला से। तो जालौन जिला से हर मंगलवार शनिवार को? नहीं, मंगलवार को आते हैं खाली। अच्छा, तो जालौन जिला से यहाँ था। तो ये आपका जो, ये जो गाड़ी है, आप तो कैसे लेकर आते हैं यहाँ पर? पैदल आते हैं, राट से पैदल आते हैं। जी, तो बहुत दूर आपने चॉइस किया। हाँ, सब। आपका नाम क्या भाई साहब? हमारा नाम अनिल। जी, तो बहुत अच्छे, बाबा जी के आशीर्वाद से आपका क्या बिजनेस सफल हो रहा है? हाँ बिल्कुल जी जी, बहुत अच्छे। माता जी आपका नाम क्या है? मोहिनी जी। माता जी आप कब से मंदिर में आ रहे हैं? आते हैं, हर हमेशा आते रहते हैं जी। तो आपको बड़ा अच्छा लगता है जी? आपके कैसा प्रतीत होता है आपको जब मंदिर परिसर में आते हैं? अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मंदिर में आते ही रहो। तो आपके परिवार के और भी बच्चे वगैरह आप लेकर आते? हाँ, बच्चे लेकर आते जी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? जी रात के। रात के जी, धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं मंदिर में जहाँ पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जो कि आप लोग ने जैसे जाना है लोगों से कि कई वर्षों से यहाँ पर बाबा जी का स्थान है, जो कि दूर दूर से लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं हर मंगलवार शनिवार को। चलिए मिलते हैं हम पंडित जी से, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। हम इस समय बाबा जी के दरबार में बैठे हुए हैं और हमारे जो पंडित जी हैं इस मंदिर के, वो भी हमारे बीच में हैं। पंडित जी से जानना चाहेंगे, यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ हर वर्ष उपस्थित होते हैं, हर मंगलवार को आते हैं। पंडित जी, आप यहाँ पर कितने वर्षों से भगवान जी की सेवा कर रहे हैं? मुझे हुए सर यहाँ करीबन 20 साल लग गए। तो हमें लगता है आप बचपन से ही यहीं पर बाबा जी के? हाँ, पहले हमारे पिताजी रहे जी, इसके बाद बड़े भाई रहे जी, फिर इसके बाद हमारा। तो आपको तो बड़ी अच्छा अनुभूति होती होगी बाबा जी के दरबार में? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि हमने जाना बाबा जी के दरबार में, पंडित जी भी बड़े ही आनंदमय प्रतीत होते हैं, और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं पुरुष अच्छे अच्छी अच्छी तादाद में उपस्थित होते हैं और अपने भजन कीर्तन के माध्यम से अपने बाबा जी के दरबार में आते हो, अपनी सुख शांति प्रदान मिलती है उन्हें, और ईश्वर करे उनको इसी प्रकार सुख शांति मिलती रहे। भैया भैया आपका नाम क्या है? आशु। तो आप कब से मंदिर आ रहे हैं? मैं 5-6 साल से आ रहा हूँ। कैसा प्रतीत बाबा जी का दरबार? तो आए। और क्या करते हैं आप पेशे से? पेशे से दुकानदारी।
कपड़े की। चल नमस्कार, इसी प्रकार हम मिलते रहेंगे नई सोच नई उमंग के साथ और नए वीडियो के साथ, और जहां पर हम आपको नए तरीकों से हम आपको राठ के दर्शन या अन्य प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन करवाएंगे। मैं संदीप कुमार आर विजय शर्मा के साथ हिंदुस्तानी संदीप हूँ।